और बिगन बोल्ड ट्रेंडिंग की शुरुआत मौसम की खबरों के साथ। उत्तर भारत के राज्यों में पड़ी भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि जो राज्य हीट स्ट्रोक से बुरी तरह से प्रभावित हैं, वहां एक ज्वाइंट टीम जाकर लोगों की मदद करेगी। इसके अलावा ICMR को निर्देश दिए गए कि हीट स्ट्रोक से जिन इलाकों में लोगों की मौत हो रही है वहां बचाव के लिए जरूरी योजना बनाई जाए। ये फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लू की वजह से 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि यूपी में कई लोग प्रचंड गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। आप भी इस मौसम में पूरी तरह सावधानी बरतिएगा क्योंकि यह मौसम हर दिन तोला माशा हो रहा है। और अगली खबर राजस्थान से। बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिला। जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया, कई गाड़ियां बह निकली। वहां सामने से आई तस्वीरों में एक कार तिनके की तरह पानी में बहती नजर आ रही है। वो कार वहां सड़क के किनारे खड़ी थी, बारिश के बाद उस सड़क पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा। उस सैलाब ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर तक तो कार खिसकते हुए पानी के साथ बहती रही, लेकिन फिर पानी के तेज बहाव ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि अजमेर समेत राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए और ये सब बिपरजॉय का असर है। बेगन बोल्ड में अगली अहम खबर असम से। असम में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं यहाँ पर और 10 जिलों के करीब 30,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने असम के कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्रह्मपुत्र नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अगर बारिश इसी रफ्तार से होती रही तो ब्रह्मपुत्र का पानी भी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस सकता है। और अब आपको अगले 2 दिनों का अपडेट भी बहुत जल्दी से दे देते हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश संभावित है। और अब अगली अहम खबर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के सब्सिडी कम करने के फैसले का असर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स पर पड़ा है। मई के मुकाबले जून के पहले पखवाड़े में 15 जून तक इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में 62% की कमी देखी गई है। मई में औसतन 3400 गाड़ियां हर रोज बिकी, जबकि 1 से 15 जून तक ये औसत 1271 का रह गया। दरअसल केंद्र ने पिछले महीने ही घोषणा कर दी थी कि वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर सब्सिडी को कम कर रही है। और अगली खबर देश के करोड़पति लोगों से जुड़ी हुई। देश में करोड़पति इनकम टैक्स पेयर की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय वाले टैक्स पेयर की संख्या में 2500% का इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक करोड़पति इनकम टैक्स पेयर की तादाद तो बढ़ी ही है, साथ ही 20 लाख से कम आय वाले टैक्स पेयर की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये कि टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में ठीक ठाक पैसा जमा हो रहा है। यही पैसा देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जितने ज्यादा टैक्स पेयर उतनी ही ज्यादा देश की तरक्की। और अब बात हिम्मत, हौसले और एकता की। बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार पाने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। रिपोर्ट देखिए। हाथ लगाकर वार और शिकार का काम तमाम। टाइगर के शिकार करने का यही तरीका है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के अंधेरे में सड़क किनारे बैठी गाय पर टाइगर ने हमला बोल दिया। ऐसा करने में टाइगर को सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगा। टाइगर का वार सटीक था। उसने गाय पर पीछे से हमला किया और गाय के संभलने से पहले उसकी गर्दन दबोच ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। जंगल के सबसे बड़े शिकारी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस हरकत पर गायों का ऐसा रिएक्शन होगा। एक एक करके झुंड की सभी गाय टाइगर की तरफ बढ़ने लगी और चारों तरफ से घेर लिया। मौके की नजाकत समझ टाइगर ने भी भागने में ही भलाई समझी। गायों ने इस तरीके से संगठन की शक्ति को एक बार दोबारा लोगों के सामने रख दिया। वीडियो भोपाल के केरवा रोड में मदरबुल फार्म का है। बताया जा रहा है कि टाइगर की मूवमेंट पिछले 2-3 महीने से इलाके में दर्ज। और अब आपको दिखाता हूँ बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। शेयर बाजार में आज जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 63,429 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 61 अंक की तेजी के साथ 18,816 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 59,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 72,263 रुपए प्रति किलो पर बिकी। यूपी पुलिस 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया की डिटेल 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर पूरी की जा सकती है। इंडिगो एयरबस से 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इस मेगा डील के बाद इंडिगो की तरफ से ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या 1,330 हो गई है। इसके साथ ही इंडिगो ने नए विमान खरीदने का एयर इंडिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर और चेयरमैन नंदन निलेकनी ने IIT बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है। इन पैसों को IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, तकनीक और टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने पर खर्च किया जाएगा। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र नंदन निलेकनी इससे पहले भी 85 करोड़ रुपए संस्थान को दे चुके हैं।
पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स पर यौन शोषण का आरोप लगा है। सीरियल के प्रोड्यूसर असित मोदी, ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शो की महिला कलाकार की शिकायत पर मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है।